आपका क्या नाम है? रघुनाथ तुकाराम वाघ। क्या करते हैं आप? खेती। किस चीज की खेती? इधर किस चीज की खेती करते हैं? गेहूं, सोयाबीन। गेहूं और सोयाबीन। तो इसमें फायदा हो रहा है? हाँ, तो होता है फायदा। खेती से बच जाता है वो? दाम सोयाबीन का दाम सही मिल रहा है? हाँ सही। नहीं तो छोकरे के पास है, आपको क्या है? अब इधर बैठने का छोकरे को दे दिया सब? सब कुछ जो सोचे को दे दिया। और अभी इधर बैठ के आराम करने का? आराम करने का। तो क्या बात कर रहे थे आप लोग? क्या नहीं आई सर, कुछ निवडणूक का बात कर रहे थे? नहीं, निवडणूक नहीं। निवडणूक का क्या मामला है? क्या मालूम आपको? किसका सरकार आने का उम्मीद लग रहा है महाराष्ट्र में? अभी तो क्या क्या समझते नहीं आता, क्या कौन सा आता है कौन सा नहीं। क्यों समझ नहीं आता? क्या आता? आदाब चाचा, बैठो बैठो चाचा, इधर बैठो, इधर बैठो। चीचो को मालूम है? चीचो को सब चीचो को मालूम। तुमच्याकडे माणसं बसा त्यात ना, त्यांना माहिती का क्या कह रहे? क्या कह रहे? हाँ, उसका दुकान है ना इधर, बाद में बैठता ना उधर साथ। आप लोग साथ बैठता? हाँ, बड़े बड़े लोग बैठते नहीं थे। आज एक बात बताओ, ये योगी जी का बयान बटेंगे कटेंगे सुना था? नहीं जी। नहीं सुना? आप जानते हो योगी आदित्यनाथ कौन है? हाँ तो वो उधर से, आपको क्या मालूम? किधर के? वो टिकड़े ये कहा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये शिंदे सरकार का काम कैसा था? शिंदे सरकार है, बड़ा है काम, बड़ा है, अच्छा है। टका इधर आओ थोड़ा सा, बड़ी आराम दे कुर्सी लेकर आओ, आओ इधर बैठो बैठो बैठो। या जगताप काका, यह बताओ कि निवडणूक के बारे में आप क्या सोचते हो? हम किधर जाते नहीं, कहीं जाते नहीं, इधर ही बैठते, ना दिंडोरी ना किसका क्या है, क्या पता अपने को। तो ये शिंदे सरकार का काम महायुति आने का की आघाड़ी? अभी वो नहीं, क्या पब्लिक है, क्या करेंगे अपने को? पब्लिक में क्या चल रहा? वो नहीं ना, वो पब्लिक में जाते ही नहीं। तो अच्छा, पिछली बार जैसे आघाड़ी जीता था खासदार में, वैसे आमदार में क्या लग रहा? वो नहीं, अभी सब ये है ना, सब लोग सब पक्ष के आदमी खड़े है, सब मिल जाए तो क्या पता है अपने को क्या कौन है ये वो का। अच्छा, खिचड़ी आएगी कि सरकार की या एक को आएगा? पता नहीं वो क्या होगा अभी जनता। और ये जो महिलाओं को लाड़की बहना मिला, उसका असर कुछ है? होगा ना, वो तो होगा ही। हाँ चाचा, क्या एक मिनट जरा जगह बना दो भाई, क्या हाल है, क्या मिजाज है आपके? क्या बोलने का अभी, अभी अभी आज तक कुछ बोल नहीं सकता हम। क्यों, कैसा बोलेंगे अभी, क्या बोलते आएंगे हमको? मिक्सर सर, अभी तब सब इसके लोग खड़ा है, क्या बोलते आएंगे कौन आता है कौन नहीं। अच्छा, आप गांव में ही रहते हो ना? हाँ। यहाँ हिंदू मुसलमान कितना कितना है? है थोड़ा है, 15-20 मकान है मुसलमान के, हिंदुओं के? हिंदू के ज्यादा है। तो आपस में मिलजुल भाईचारा? मिलजुल के हम, मिलजुल के चले। और ये बटेंगे कटेंगे का बयान सुने थे? नहीं नहीं। अच्छा, आपके लिहाज से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नेता कौन है? अभी क्या बोल जाएंगे कौन सा नेता है? अच्छा, आप क्या मानते हो कि शिंदे सरकार का वापसी आएगा महायुति का कि आघाड़ी आएगा? वो नहीं कह सकते आज, कौन सा आएगा ये आज हम नहीं बोल सकते। कैसे? मेरा अभी इतना लोग खड़ा है, जब कौन सा सरकार आएगा ये नहीं बोल सकते ना। जनता कंफ्यूज है, फिर क्या बोलते आएगा? बोल नहीं सकते हम, कैसा बोल सकते? अभी मिक्स जो सब सब पक्ष के लोग खड़े हैं ना। अच्छा, असली शिवसेना किसकी है, शिंदे की उद्धव ठाकरे की? अभी असली शिवसेना तो बाळासाहेब ठाकरे की थी।
वो तो दो तरफ हो गई, अभी दो तरफ हो गई थी, अभी उनमें उनमें लग गया, उसको अपन क्या करने वाला तो है किसकी, आप किसकी मानते हो? अभी पहले तो उसकी थी, अभी आज अभी उनके उनके में चालू है, चालू है, जो आप क्या बोल सकते। और ये एनसीपी राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी का नहीं बोल सकते ज्यादा, ये राजकारण अपने को कुछ मालूम नहीं ज्यादा। क्या लग रहा है आपको कि सरकार किसकी आने की उम्मीद लग रही है? सरकार तो बीजेपी की आने वाली। और शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? शिंदे का तो पता नहीं, लेकिन देवेंद्र बनेंगे। आगाड़ी वालों का? आगाड़ी वाले नहीं आएंगे। किस वजह, क्या आपको वजह ज्यादा लगती है आगाड़ी वालों का? अभी बीजेपी भाजपा के आने की क्यों आपको लगता है कि आएगी? वो लाड़की बहन योजना चालू की इधर, अच्छा है। खाली वही लड़की बहन से नहीं, ऑनलाइन का वो काम किया उन्होंने, डिजिटल का काम किया, सब काम किया ना मोदी ने, जिसके वजह से। और ये शिंदे की शिवसेना को ज़्यादा सीट मिलेगी कि उद्धव की? सीट तो बॉम्बे में उद्धव को ज़्यादा मिलेगी, शिंदे को कम मिलेगी। और शरद पवार को ज़्यादा सीट मिलेगी कि अजीत पवार? वैसे तो अजीत पवार को थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी शरद पवार से। लोग तो कहते हैं शरद पवार नेता है। नहीं नहीं, वो क्या है अभी पॉलिटिक्स है वो। चलिए ठीक, आइए आइए, आपको कुछ बोलना अभी बोलिए। आप तो यहाँ चार लोग बैठे थे, हम यहाँ देखते हैं, आप बताएं आपका नाम क्या है और जो मैं पूछ रहा हूँ। संतोष भावसर गायकवाड़। आपको क्या लगता है संतोष? फिलहाल स्थिति के हिसाब से जो हमारे एरिया है उधर से शरद पवार ठीक है, अजीत पवार भी ठीक है, लेकिन जो ये पंचवार्षिक हुई उसमें खेती में अभी जो 2 साल हो गए तभी भाव बढ़ा है, कांदा निर्यात खुली की, अंगूर का किसान जब 3 साल रो रहा था तब कोई काम में नहीं आया, अभी इलेक्शन है तो तभी सब में किसान की बात करते, कोई लड़की बहन की बात करते, जब इलेक्शन, अभी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई भी किसान को नहीं पूछेगा, किसी को नहीं पूछेगा इलेक्शन ख़त्म होने के बाद। जब इलेक्शन आता है 4 बरस कोई पूछेंगे नहीं, 1 बरस सब पूछेंगे, सबको पूछेंगे, किसान हो, खेती करने वाले हो, मजदूर हो, या सर्विस गवर्नमेंट हो, कोई भी सबकी सुनेंगे, लेकिन 4 साल वो कुछ किसी की सुनते नहीं, अपनी सुनते। ये तो बात सही है, नेता जब चुनाव आता है तभी आते हैं और तभी हाथ भी जोड़ते हैं। तो आपको उम्मीद किसकी सरकार की आपको लग रही है? मिक्स सरकार होना चाहिए, एक हाथ में सत्ता दी तो विरोध करने के लिए कोई नहीं रहता। चलिए ठीक, आप लोगों ने बात की इसका बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे हिंदी में बात की तो हमारा काम आसान हो गया, नहीं तो हम वही पूछते कस का भाव कौन और यार कौन जानार। हाँ निवडणूक आता आहे, आता निवडणूक आहे, काय झाला सांगा सांगा, माहौल क्या है। मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरी जगह से फिर हाजिर हूंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 नासिक।